हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज YT स्टूडियो में अभी अभी धमाकेदार अपडेट आ चुका है, जिसमें आप लाइव सब्सक्राइबर काउंट देख सकते हैं, वॉच टाइम मिनट में देख सकते हैं किस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर आए हैं, और भी दो नए अपडेट हैं जो बहुत ही कमाल के हैं। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हमने बताया है, बहुत ही बारीकी से बताया है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो को शुरू। गाइज इसके लिए आपको अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे ही गाइज YT स्टूडियो ओपन करते हैं, इसके बाद यहाँ से हम एनालिटिक्स पे क्लिक कर देते हैं। गाइज जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो पहले यहाँ पे आपको डिस्कवरी का ऑप्शन मिल जाता था यहाँ पे, तो गाइज अभी डिस्कवरी का जो ऑप्शन था उसको हटा दिया गया है, जिसके स्थान पे यहाँ पे आपको यहाँ पे रीच का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप अपने चैनल का इंप्रेशन देख सकते हैं, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट देख सकते हैं, ट्रैफिक देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने चैनल का जो है रीच देख सकते हैं, आपके चैनल पे कहां कहां से व्यू जाते हैं, किस किस तरीके से व्यू जाते हैं, सारा कुछ यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहां पे आपको इंगेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख सकते हैं, टॉप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टॉप कार्ड, सबसे ज़्यादा आई बटन से देखी गई वीडियो कौन सी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गई यहाँ पर आपको रेवेन्यू का जो ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में कर दिया गया है, पहले हमारा दूसरे नंबर पर होता था लेकिन अभी यहाँ पर लास्ट में कर दिया गया। तो गाइज आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये हमारा लास्ट में कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद गाइज यहाँ से हम कोई वीडियो जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइज जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो गाइज अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट बताया था, जिसमें आपका अगर एक घंटे से कम होता था तो उसमें यहाँ पे वॉच टाइम आपका जीरो हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट में यहाँ पे जो है काउंट होने लगा है आपका वॉच टाइम। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि 2.8 वॉच टाइम है। अगर आपका जैसे कि एक घंटे से कम है तो ये आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 इस तरीके से आपका वॉच टाइम यहाँ पे शो होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है उसके लिए यहाँ पे आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप इस वीडियो से जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो गाइज अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो से हमारे 2 सब्सक्राइबर आए हुए हैं। इसके बाद जो अपडेट है गाइज वो बहुत ही कमाल का अपडेट है, तो उसके लिए हमें चलना होगा क्रोम ब्राउज़र में। तो गाइज यहाँ पे हमने अपने YouTube चैनल को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लिया है। आपको इस तरीके से ओपन करके यहाँ तक चले आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइज जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो गाइज यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, गाइज यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि सी लाइव काउंट। तो गाइज जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसके बाद गाइज यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे लाइव शो होने लग जाएंगे। और गाइज यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ऊपर कोने में यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है अपडेटिंग लाइव। तो यहाँ पे जैसे ही आपका एक सब्सक्राइबर होगा तुरंत से यहाँ पे दिखाएगा, जैसे ही अन होगा तो यहाँ पे तुरंत आपको दिखा देगा। और YT स्टूडियो में थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये थे आज के नए अपडेट, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना।